वैसे आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डे 122 की अर्ली मैच कार्ड प्रेडिक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम डे 122 की अर्ली मैच कार्ड प्रेडिक्शन करेंगे, जहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो टाइटल मैच है, जो कि मेन टाइटल्स है WWE के, उनके बैटिंग ऑर्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो वीडियो को आपको दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ साथ वीडियो के अंत में हम डीन एम्ब्रोस के रिटर्न और रोमन रेंस के बिग फिनिश को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डे 1 की, तो डे 1 पीपीवी की डेट एंड टाइमिंग बात कर लेते हैं। टाइमिंग तो दोस्तों सुबह की ही रहेगी, जिस टाइमिंग पर आपको रॉयल स्मैकडाउन देखने को मिलती है, बट दिन रहेगा 2 जनवरी का। जहां गाइस बात की जाए डे 1 की, डे 1 दोस्तों यूएस में आएगा 1 जनवरी को। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी थिंग है जो कि डब्ल्यू वालों ने अभी अनाउंस किया, वो है ये कि इसके अंदर मीगोस जो है वो परफॉर्म करेंगे। मीगोस दोस्तों रैपर का एक तरीके का ग्रुप है, और जो रैपर्स है ये हमें शुरुआत में गाना गाते हुए नजर आएंगे, और इस तरीके से जो शो है उसकी शुरुआत होगी। बहुत सारे फायर वर्क्स फूटेंगे, जहां सबसे पहला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टोनी स्टॉर्म के मध्य। तो गाइस बीती शाम जो है टोनी स्टॉर्म अपना मैच जीत गई, लेकिन वीआर डिस्क्वालिफिकेशन शार्लेट फ्लेयर ने उन्हें स्मैकडाउन में खूब पीटा है। बात की जाए दोस्तों इनकी राइवलरी की, अभी से कुछ समय पहले दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ने टोनी स्टॉर्म के चैलेंज पर उनके मुंह पर पाई मार दी। अगले हफ्ते दोस्तों टोनी ने इसका बदला लिया और उन्होंने शार्लेट के चेहरे पर पाई मारी। राइवलरी कुछ ऐसी है कि गाइस इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और बात की जाए इस पर्टिकुलर पीपीवी की, इस पर्टिकुलर पीपीवी में दोस्तों हमें मैच देखने को मिलेगा स्मैकडाउन वुमन चैंपियनशिप के लिए। रिजल्ट की बात की जाए शार्लेट फ्लेयर हैंड्स डाउन इसके अंदर विजय रहने वाली, और यहाँ टाइटल चेंज नहीं होगा, क्योंकि टोनी स्टॉर्म अभी नहीं बनी है टाइटल जीतने के लिए, उन्हें थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोग देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों हमारे एज का, जो कि फेस करेंगे द मिस को। तो गाइस ये पर्टिकुलर मैच जो है इसे देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि बात की जाए एज की, तो एज काफी बड़े सुपरस्टार है और मिस दोस्तों उनके आसपास नहीं फटकते, लेकिन स्टिल जो मिस है वो WWE की ग्रेटेस्ट हील है। और मैच दोस्तों अपने आप में काफी बढ़िया लग भी रहा है, क्योंकि जैसे इनके प्रोमो सेगमेंट्स रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जमकर कीचड़ उछाला है। जहां बात की जाए दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के रिजल्ट की, इसके अंदर एज विजय प्राप्त करने वाले हैं। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हो रहा है वो हाल फिलहाल में कंफर्म हुआ है, और वो होने जा रहा है द न्यू डे वर्सेस उसोस के मध्य। तो गाइस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का जो ये मैच होगा, ये गाइस बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि सब लोग जानते हैं इनके बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री, इन दोनों टीम्स की बहुत पुरानी राइवलरी रही है। इस बीती स्मैकडाउन में दोस्तों जो द न्यू डे वाले हैं उन्होंने आरके ब्रो को भी हराया, उसोस को हराया, और बन चुकी है WWE की बेस्ट टैग टीम। लेकिन क्या इस पर्टिकुलर पीपीवी में भी वो वही जादू करके दिखाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसोस इसके अंदर अकॉर्डिंग टू मी विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसोस का रन काफी स्मूथ चला हुआ है। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच होना है वो दोस्तों अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जल्दी कंफर्म हो जाएगा, और ये होगा दोस्तों बैकी लिंच वर्सेस ली मॉर्गन रीमैच। रीमैच तो होना ही होना है दोस्तों, सब लोग जानते हैं ली मॉर्गन के साथ काफी बड़ा धोखा हुआ है। हाल ही की मंडे नाइट रॉ जो रही थी, वहां दोस्तों जो ली मॉर्गन है उन्होंने रोप को पकड़ा था, लेकिन रेफरी ने देखा ही नहीं, और उसके चलते जो बैकी है वो रिटेन कर गई। अब गाइस बात की जाए जो रिटेन हुआ है काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसका मतलब साफ है लीव को यहाँ रीमैच जरूर मिलेगा। और गाइस बात की जाए कि अगर ये मैच बनता है तो कौन जीतेगी, ली मॉर्गन जीतेगी। अकॉर्डिंग टू रूमर्स ली मॉर्गन अगर जीतती है तो उससे दोस्तों पीपीवी का काफी ज्यादा नाम भी होगा, साथ ही साथ दोस्तों ली मॉर्गन अब टाइटल जीतने के लिए तैयार भी है। चलते हैं दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हो रहा है वो होना है दोस्तों हमारा सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, और ये रहेगा बिगी वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवंस का। अब गाइस मैं आपको बता दे काफी ज्यादा खुश हूं कि इस मैच के जो ऑड्स हमारे सामने आ चुके हैं, जहां गाइस बात की जाए केविन ओवंस की, केविन ओवंस चले +600 के ऊपर, सेथ रॉलिंस चले +200 के ऊपर नंबर दो पर, और नंबर एक पर जो चला हुआ वो है बिगी, जो कि चला हुआ है -200 पर। दैट मीन्स बिगी लैंगस्टन जो है इसके अंदर टाइटल रिटेन कर लेंगे। बट गाइस ऑड्स भी तब चेंज हो सकते हैं जब हो सकती है चीज। तो लैशली को सब लोगों ने देखा कि इस बीती रॉ में क्या किए, वो इन तीनों पर धावा बोले। अगर दोस्तों फैटल फोर वे बन जाता है तो ऑड्स में एक बड़ा चेंज आएगा, जिसके चलते हमें ऑड्स फिर से डिस्कस करने पड़ेंगे, जिसकी दोस्तों चांसेस काफी हाई भी है। लेकिन अभी के लिए बिग ही इस मैच में रिटेन करने वाले हैं।
चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहेगा डे वन पीपीवी का, वो रहेगा द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। तो गाइस ये कंफर्म हो चुका है, इस पर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये होकर ही रहेगा। और गाइस बात की जाए ऑड्स की, ऑड्स हमारे सामने आ चुके हैं, जहां गाइस बात की जाए ट्राइबल चीफ की, ट्राइबल चीफ चले हुए हैं -250 के ऊपर, ब्रॉक लेसनर चले हुए हैं +170। बट दैट मीन्स इसके अंदर जो रोमन रेंस है वो रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि माइनस में ज्यादा गिना जाता है। साथ साथ बात की जाए इनकी राइवलरी की, तो रिपोर्ट्स की माने तो गाइस इनकी राइवलरी थोड़ी लंबी जाने वाली है। तो मुझे क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर मैच में एक और बंदा काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, वो कोई और नहीं, वो है सेमी ज़ेन। सेमी ज़ेन को दोस्तों दो हफ्ते से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। इस बीती स्मैकडाउन में रोमन नहीं आए थे, लेकिन सेमी जरूर आए थे। सेमी को दो बार स्क्रू कर दिए ब्रॉक लेसनर, और अब सेमी ज़ेन जो है वो कोशिश करेंगे पूरी कि ब्रॉक लेसनर को इस मैच में उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कराए। तो ऐसे में दोस्तों मुझे क्या लगता है कि सेमी ज़ेन की तरफ से इंटरफेरेंस होगी, और उससे दोस्तों ऑड्स भी जो है वो सेटिस्फाई होंगे, ट्राइबल चीफ इसके अंदर रिटेन करने वाले हैं। रही बात दोस्तों आर के ब्रो वालों की, तो आप सोच रहे होंगे आर के ब्रो वालों का मैच मैंने डिस्कस क्यों नहीं किया। तो गाइज अभी इनकी टूर्नामेंट कंटिन्यू है, आर के ब्रोनामेंट जो है वो कंटिन्यू है, जिसका फिनाले होना इस बारी की रॉ में हमारे मिस्टीरियोज एंड स्ट्रीट प्रॉफिट के मध्य। तो जब वो मैच कंफर्म होगा तो उसे भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि खबरों के ऊपर। गाइस सबसे पहली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों जेफ हार्डी से। जेफ हार्डी को दोस्तों डब्ल्यू निकाल चुकी है, लेकिन हाल ही में एक सोर्स ने ये चीज बताई कि जेफ हार्डी मैच से पहले ठीक था, जो उसका लाइव इवेंट में मैच हुआ था मैच से पहले भी ठीक था, मैच के बाद भी काफी हद तक ठीक था, और ऐसा नहीं था कि वो दारू वारू पी के था, बजाय इसके लग रहा ऐसा था कि वो इंजर्ड है। एक क्लिप भी शेयर की गई जिसमें आप देख सकते हैं जेफ हार्डी की हालत उतनी भी बेगैरत या फिर कह लीजिए बेकार नहीं थी। बट यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वाल जो कुछ किया वो काफी गलत किया है। आपको बताना चाहूंगा मैट हार्डी एंड जेफ हार्डी रियूनाइट होने वाले हैं जल्द ईडब्ल्यू में, क्योंकि मैट हार्डी ने ट्वीट किया है, और वो ट्वीट आप पढ़ भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ वो क्या चीज लिखे है मैट हार्डी दोस्तों, ये चीज लिखे है आई फील एक्सट्रीमली गुड अबाउट द फ्यूचर। माना दोस्तों टीम एक्सट्रीम जो टर्म आप पढ़ रहे हैं एक्सट्रीमली, टीम एक्सट्रीम का मिलना टीज कर रहे हैं, और जल्द हमें टीम देखने को मिलेगी। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो कल दोस्तों हमने स्मैकडाउन देखी, और स्मैकडाउन से रिलेटेड सवाल उठ भी रहा होगा क्या ब्रॉक लेसनर का जादू चला है। जी हाँ ब्रॉक लेसनर का जादू चला है, रेटिंग सामने आ चुकी है। कितनी आई है व्यूअरशिप? 2.17 मिलियन व्यूअरशिप पापी गई, जो कि लास्ट वीक से काफी हाई है, लास्ट वीक 1.96 थी। इस हफ्ते दोस्तों रोमन रेंस भी नहीं दिखाई दे, तो कहना पड़ेगा दोस्तों ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉक लेसनर आने के साथ ही दोस्तों जो रेटिंग्स है उसमें सुधार भी आता है। सिजारो ने हाल ही में ब्रॉक लेसनर के जो टायर है उसके ऊपर कमेंट किया है, वो ये चीज लिखे हैं ओवरऑल अ ग्रेट लुक। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा फॉक्स वालों ने कमेंट किया था कि ये जो बंदा है काफी तगड़ा लग रहा है, जिस पर दोस्तों जो सिजारो है और रिप्लाई किए हैं, जिसका मतलब साफ है सिजारो को भी ब्रॉक लेसनर का फार्मर लुक पसंद है। आपको कैसा लगा उनका लुक बताया था। चलते हैं आज के अपनी सेगला न्यूज के ऊपर। तो भाई सेगला न्यूज जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़े है जॉन मॉक्सली के रिटर्न से। तो मॉक्सली के ऊपर दोस्तों अपडेट आ चुकी है। मॉक्सली ने दोस्तों हाल ही में अपनी बुक यानी मॉक्स में बताया कि वो किस एक रीजन की वजह से फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये खबर जो है ये थोड़ी सी उड़ है, बट मॉक्स की जो खबर है हाल ही में सुर्खियों में आई, क्योंकि गाइस मॉक्स जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है कुछ समय से, क्योंकि इस वक्त तो रेसल ही नहीं कर रहे हैं। रीजन ये है दोस्तों कि उन्हें भेजा गया है रिहैब सेंटर, जहां वो रिहैब कर रहे हैं, जैसे कि जेफ हार्डी को भेजना चाहता डब्ल्यू वालों ने। तो मॉक्सली दोस्तों ये चीज कहे इस बुक में कि देखो मैं डब्ल्यू के अंदर एक ही कंडीशन पर लौट सकता हूं, मैं रेसलमेनिया में कभी कम्पीट नहीं करूंगा, मैं रेसलमेनिया में फिर कभी फाइट नहीं करूंगा, लेकिन अगर दिखता हूं तो इसका मतलब साफ है कि डब्ल्यू वालों ने मुझे एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ मनी दी है, और साथ ही साथ क्रिएटिव कंट्रोल भी, जो कि बेहद जरूरी भी है। हाँ दोस्तों मॉक्सली ने साफ कर दिया अपनी बुक में कि डब्ल्यू वाले अगर उन्हें बहुत सारा पैसा देते हैं तो फिर वो डब्ल्यू में भी रिटर्न को तैयार हो जाएंगे। तो डब्ल्यू वालों को चाहिए बहुत सारा पैसा दे जॉन मॉक्सली को, ताकि फिर से हमें डब्ल्यू देखने को मिले। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर को। इस मेन खबर जो आज की मैच जुड़ी है वो जुड़ी है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच से। तो डे वन में मैच होने वाला है, लेकिन इस पर जैसी अपडेट हमारे सामने आई है आप लोगों को सुनना बेहद जरूरी है। डे मेल्जर ने बताया कि ये जो मैच रहेगा ये वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मैचेस में
एक होगा, तो डे वन पर ये मैच होगा और मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस अपडेट ये है कि सीरीज ऑफ मैचेस हमें ब्रॉक एंड रोमन के मध्य देखने को मिलने जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि इसका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल फिनिश होगा। हाल में दोस्तों डे मेल्जर ने एक टर्म लाई है और वो टर्म है बिग फिनिश। बिग फिनिश दोस्तों जो है वो टर्म इसलिए यूज की जा रही है क्योंकि ये लोगों को एक शॉक में डाल देगी, दैट विल पुट पीपल इन क्लैमरिंग। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लोग जो है या तो बहुत ज्यादा शाउट करने वाले हैं या फिर बहुत ज्यादा बू, माना कहीं ना कहीं वहां पॉल हेमन का बड़ा रोल रहेगा। डे मेल्जर ने चीज साफ की है कि ये काफी बड़ा मैच रहेगा और इसकी बिग फिनिश होगी। यहाँ दोस्तों सोर्सेस के माने तो गाइस वहां रोमन रेंस रिटेन तो करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल होगा। अब वो सेमी जेन की तरफ से होता है या फिर पॉल हेमन की तरफ से तो पता नहीं, लेकिन पॉल हेमन को जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने सेव किया इस बारी सेमी से स्मैकडाउन में, वो कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा कर रहा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वहां होता है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जो बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।